टाइटन कंपनी के फाउंडर जार्सिक्स देसाई 20 सेंचुरीज के लिए मोस्ट फैसिनेटिंग बिजनेस लीडर में से एक था। उन्होंने ऑक्सफोर्ड कॉलेज से फिलोसॉफी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद साल 1961 में टाटा ग्रुप में ज्वाइन किया। उन्होंने साल 1985 में टाइटन कंपनी को बिल्ड करने से पहले 2 decade तक पहले ताज होटल देन ताज फोर्ट एगेउडा रिसोर्ट की डिस्कवरी में उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई था। देन उन्होंने सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम भी किया। लेकिन टाइटन वॉच की आइडिया उन्होंने खुद डिज़ाइन की, टाइटन वॉच की स्क्रिप्ट भी उन्होंने खुद लिखी, जिससे पूरे इंडिया में एक न्यू रेवोल्यूशन ला दी। ये इंडियन हिस्ट्री के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशनल इवेंट था एंड एक न्यू टाइम कीपिंग डिज़ाइन वॉच जिसका एक्सपीरियंस हमारे इंडियंस पहले कभी नहीं किया था, और इससे जार्सिक्स सर सारे इंडियंस की दिल जीत ली। और पर्सनली मुझे ये लगता है कि इतना बड़ा सक्सेस के लिए विजन एंड करेज की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जो जार्सिक्स सर के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट था। और ये हैंड वॉच नॉर्मल मैकेनिकल वॉच के कंपैरिजन में काफ़ी लाइट वेट एंड स्लिम था, जिसकी वजह से ये उस टाइम के लिए हमारे लिए बहुत ही अट्रैक्टिव एंड ए गुड लुकिंग वॉच बन गया था। तो टाइटन टाटा ग्रुप एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट की एक जॉइंट वेंचर कंपनी था। अब इनिशियल स्टेज पे उनके पास एक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर तो था, बट इस कॉम्प्लेक्स वॉच मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्किल्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट थी, जिसके लिए उन्हें काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। बट इस बार टाइटन ने जो मास्टर स्ट्रोक लगाई, जिससे कंपनी के लिए ये बाद में एक मास्टरपीस साबित हो गए। तो उन्होंने उस टाइम कुछ स्किल्ड वर्कर को पहले हायर किया, बट मैक्सिमम फ्रेशर्स को ज्वाइन कराने के लिए तमिलनाडु के मैक्सिमम स्मॉल सिटीज एंड विलेज की स्कूल से सारे यंगस्टर को एनकरेज किया जिनकी उम्र 16 ईयर्स के अबव हो। तो टाइटन टीम उन सारे यंगस्टर को यह विश्वास दिलाया कि टाइटन में नौकरी उनके फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा ब्राइट स्टेप होने वाला है, और साथ में टाटा के टैग थे जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स एग्रीड भी हो गए। अब टाइटन एंड टाटा ग्रुप ने मिलके उन सारे स्टूडेंट्स के लिए कुछ टेम्पोररी हाउस बिल्ड किया, जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स उनके पेरेंट्स के साथ रह सके। अब स्टूडेंट्स मॉर्निंग के टाइम स्कूल एंड स्कूल से लौटने के बाद अपना ब्राइट फ्यूचर बनाने के लिए टाइटन वर्कशॉप में अपना 1000% देना चालू किया, और इस अप्रोच से विन विन डील क्रिएट होना चालू हुआ। एक तरफ स्टूडेंट्स की ब्राइट फ्यूचर एंड दूसरी तरफ टाइटन को लो कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन। और मुझे पर्सनली ये लगता है कि यही फर्स्ट टाइम था जब हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपना होम टाउन छोड़ने की करेज फर्स्ट टाइम उठाया था। और नमक्कल एंड कृष्णागिरी जैसे स्मॉल सिटीज से 1000 यंगस्टर स्टूडेंट्स ने अपना फ्यूचर सजाने के लिए फर्स्ट टाइम रिस्ट वॉच असेंबल एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए टाइटन फैक्ट्री में अपना कंट्रीब्यूशन की। तो टाइटन ने इस यंगस्टर्स को फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग के लिए इंसेंटिव के साथ काम कराता गया। बट अगले कुछ सालों में ही इन सारे स्टूडेंट्स अमेजिंगली स्किल्ड वॉचमेकर में खुद को बदल लिया। बाद में कंपनी ने उन सारे स्किल्ड स्टूडेंट्स के लिए फैक्ट्री कैंपस एंड टाउनशिप बिल्ड किया, और उस टाइम उन सारे स्टूडेंट्स के लिए टाइटन कंपनी ही उनका घर बन गया था, क्योंकि टाइटन ने उन सारे स्टूडेंट्स को एक स्ट्रॉन्ग करियर गिफ्ट की थी। इससे बड़ा और क्या अचीवमेंट हो सकता है। एंड साल 2002 में जार्सिक्स देसाई सर ने टाइटन से रिटायरमेंट ले ली, बट फिर भी उन्होंने टाइटन स्कूल के साथ अपना क्लोज बॉन्डिंग कंटिन्यू रखा, जिसे होसूर में उन्होंने अपना एम्प्लॉयज की बच्चों के लिए एस्टेब्लिश किया था। बट अनफॉर्चुनेटली साल 2016 में सर हम सबको छोड़ के चले गए, बट टाइटन अभी हमारे कंट्री के लिए वन ऑफ द बेस्ट वेल नोन लाइफस्टाइल कंपनी में से एक है, और टाटा ग्रुप के सबसे सक्सेसफुल कंपनीज में से एक बन गए तनिष्क, फास्ट ट्रैक, सोनाटा, टाइटन आई प्लस जैसे ब्रांड्स के साथ। और इस बुक के ऑथर सर हरीश भट्ट हम सबको ये कहते हैं कि मैं रिस्पेक्टेड जार्सिक्स देसाई सर के फ्यूनरल के टाइम प्रेजेंट था, जो हसूर में ही हुआ था, और टाइटन फैक्ट्री से 1000 से भी ज़्यादा लोग आंखों में आंसू लिए स्लोली स्लोली उनके फ्यूनरल में शामिल हो रहा था। और वो एक गर्मी का दोपहर था, वहाँ का पूरा माहौल देख के ऐसा लग रहा था कि आधा से भी ज़्यादा सिटी एक पर्सन को अलविदा कहने के लिए आया है, और ये हो भी क्यों ना, क्योंकि उन्होंने 1000 से भी ज़्यादा इंडियन यंगस्टर्स को रोजी रोटी, ब्राइट करियर, हैप्पी फैमिली, ब्यूटीफुल ड्रीम्स, वेल डेकोरेट टाउनशिप, इतना कुछ दिया सिर्फ एक पर्सन ने। इससे बेहतर तोहफा हमारे लिए और क्या हो सकता है। तो गाइस, टाटा स्टोरी बुक की 40 स्टोरी में से सारे स्टोरी में मुझे एक चीज़ कॉमन मिली, और वो ये है कि टाटा में शामिल ईच एंड एवरी पर्सन की मेंटेलिटी, ड्रीम, विजन में एक चीज़ कॉमन था कि इन सारे रिस्पेक्टेड पर्सन ने अपना अपना फील्ड में बहुत कुछ हासिल किया, बट साथ में बहुत सारे लोगों को ले के।
आज की डेट पर भी बिजनेस बहुत सारा लोग कर रहे हैं, लेकिन सबको एक साथ लेके चलने वाला मेंटेलिटी बहुत ही कम लोगों में है। तो गाइज लाइफ में ना जब भी मौका मिले हमेशा दूसरों को सेल्फलेसनेस की तरह हेल्प करते रहना चाहिए, चाहे वो हेल्प कितने भी छोटा क्यों ना हो, चाहे आप एग्रीड करें या ना करें, यही हमारी लाइफ की एक्चुअल कोर पर्पस होनी चाहिए। तो गाइस आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, तो वीडियो कैसे लगा इसे कमेंट में ज़रूर बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट डे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।